सॉरी फ्रेंड्स, एक बार फिर से टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मुझे आप लोगों से दूर जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं बार बार, तो ये हम लोगों के हाथों में नहीं है। बट कोई नहीं, मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए आया हूँ। कुछ मिनट हम लोग और बातें करेंगे उसके बाद। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे जितने भी व्यूअर्स हैं जो हमें अभी देख रहे हैं, वो इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे कुछ व्यूअर्स जुड़ेंगे अभी, तो मैं बताना चाहूँगा उनसे कि ये जो पोस्ट है मुजफ्फरपुर नाऊ का, और ये जो इन्होंने इनिशिएटिव उठाया है, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है इनका। और ये आने वाले दिनों में बहुत अच्छा, इनके इवेंट्स और प्रोजेक्ट्स हैं। अभी इन्होंने कपड़े डिस्ट्रीब्यूशन का ये बीड़ा उठाया है, जो भी हमारे गरीब हैं जो कैपेबल नहीं हैं, और उन्होंने बहुत ही उनके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही अप्रिशिएटिव काम इन्होंने करा है। तो एक बार उनके लिए काफ़ी अप्रिसिएशन ज़रूरी है। तो इस पोस्ट को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सके आप कीजिए, और इंस्टाग्राम पे मुझे द दीपक ठाकुर नाम से फॉलो कर दीजिए। आप लोगों को जो भी म्यूज़िकल वीडियो है वो ज़रूर अपडेट होते रहिएगा वहाँ पे, और आप हमसे कनेक्टेड रहिएगा। तो सोनम सालिनी जी ज़रूर, सोनम सालिनी ज़रूर शेयर करेंगे सभी। सोनम, ये मैं सोनम सालिनी, मुजफ्फरपुर नाउ रॉक्स, रियली मुजफ्फरपुर नाउ रॉक्स। और मुजफ्फरपुर नाउ बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, और हमारे जो ऑनलाइन मीडिया पोर्टल हैं वो ये एकदम ज़मीनी बात जो है ये मुजफ्फरपुर नाउ रखते हैं, और काफ़ी अप्रिसिएटिव काम करते हैं ये। तो करण सिंह जी का ये है, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो ज़रूर। राज विवेक कहाँ हो दीपक, आप लोगों के सामने हूँ, नज़र के सामने हूँ। और आगे आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, दो प्रोजेक्ट हैं मेरे, जो फ्रेंड हमारे अभी नए नए जुड़े हैं, दो प्रोजेक्ट हैं मेरे। एक बॉलीवुड मूवी अनुराग कश्यप की है, जिसमें आने वाली फिल्म उनकी है, उसमें एक गाना है मेरा। और एक जिशान कादरी की, जो गैंग्स ऑफ वासेपुर की अगली सीरीज है, उसमें मेरा एक गाना होगा। और एल्बम आएगा मेरा 8 गाने का, जो कि अनुराग कश्यप सर ही डायरेक्ट करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे। और उसके गाने, एक गाना मैं आपको सुनाना चाहूंगा, उस एल्बम का गाना है, ऐसे है। अरमान मलिक के कोई गाना गा दो भाई, अनु शर्मा मुजफ्फरपुर किसान, थैंक यू, ये बस आप लोगों का प्यार है। मुजफ्फरपुर कुमार मधुकर, ये क्या बात है, बहुत सुंदर, वाह क्या बात है, थैंक यू मुकेश कुमार जी, राहुल राज, वाह भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू राहुल। करण फ्रॉम मोहम्मदपुर, करण सिंह मोहम्मदपुर, थैंक यू करण जी, कैसे हैं आप? मोहम्मदपुर से काफ़ी अच्छा रिलेशन है मेरा, क्योंकि मेरा ननिहाल वहीं पड़ता है, तो करण सिंह जी वहीं से आते हैं। करण जी कैसे हैं? आशुतोष कुमार, ये, और हाँ एक बात मैं बार बार बीच में फिर से बोल रहा हूँ, जग घूमिया का म्यूजिक एक बार प्ले करो, बट पसंद आया। ओ मुजफ्फरपुर नाउ से संतोष भैया, थैंक यू संतोष भैया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और जग घूमिया का म्यूजिक एक बार प्ले करो, बहुत पसंद आया जरूर।
जग घूमया थर जैसा न कोई, 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 जग घूमया थर जैसा न कोई। I have saved your song नाराजगी as my ringtone. Thank you brother Chain Ashif Ahmed. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक्स अलॉट। राज विवेक, LNMCBM से हूँ मैं पहचाने। भाई यहाँ पे तो फेस नहीं दिख रहा, लेकिन अगर आप LNMCBM से हैं तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। प्रदीप कुमार, ग्रेट जॉब, थैंक यू प्रदीप जी। दयानंद वर्मा, दीपक भोजपुरी गाना भी हो जाए। दयानंद जी, मैंने बहुत सारे भोजपुरी गाने सुना है, आपको सुनना है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे द दीपक ठाकुर नाम से फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मेरे बहुत सारे गाने अपलोडेड हैं और बहुत सारे मैं अपलोड करते रहता हूँ। और मुजफ्फरपुर नाउस के, थैंक्स भाई, लॉट्स ऑफ लव रिगार्ड संतोष। थैंक यू संतोष भैया, और मुजफ्फरपुर नाउ को भी बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये और बहुत ही आगे, और बहुत ही वो जो अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं संतोष भैया, एडमिन है मुजफ्फरपुर नाउ के, और अभी कपड़ा वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन जो गरीब हैं हमारे, जो कैपेबल नहीं हैं, उनके लिए इन्होंने ये अरेंजमेंट करा है। काफ़ी अप्रिसिएटिव वर्क है ये, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आप लोग बस ऐसे ही शेयर करते रहिए इस पोस्ट को, और मुजफ्फरपुर नाउ के पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और इस जो ये लाइव अभी वीडियो चल रहा है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पसंद कीजिए। भाई बहुत बढ़िया, और मैं बहुत देर से ऑनलाइन हूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स फरमाइशें कर रहे हैं आपकी आवाज़ बहुत सुंदर है। थैंक यू राजू कुमार यादव जी, थैंक यू। ये आप लोगों की विशेष का नतीजा, मेरी ये दुआ है आप आसमान की बुलंदियों को छूते। ज़रूर ज़रूर भाई, आप लोगों का जो ये विश है ये ज़रूर पूरा होगा, और भगवान भी सुन रहे हैं। एक सॉन्ग सुना दो यार, सुजीत कुमार चौधरी। भाई बहुत गा रहा हूँ उस टाइम से। एक आखिरी, आप दो लाइन के लिए, एक आखिरी दो लाइन के लिए आप कह रहे हैं तो सुना दे रहा हूँ। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती हैं, हाँ मेरे दिल को भी सनम तुझे से शिकायत होगी। तेरी गली में आता सनम नगमा वफा का गाता सनम, जिसे सुना ना जाता सनम, फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने मैं दीवाना, खत्म बस आज दहशत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में होगी। थैंक यू, और आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। और एक बहुत क्लोज फ्रेंड है मेरा, मृत्युंजय नाम है उसका, और वो बहुत टाइम से उसकी एक फरमाइश आ रही है, मैंने ध्यान नहीं दी। दो लाइन है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। बस दो मिनट और मैं लाइव हूँ, और आखिरी एक संदेश क्या है कैसे है। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा, चार पैसे कमाने मैं आया शहर गाँव मेरा।
दिया तारा गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। माँ ये लिखती है हर बार खत में मुझे लौट आ मेरे बेटे है मेरी कसम जब से परदेश गया तू मैं बेचैन हूँ नींद आती नहीं भूख लगती है कम कितना चाह न रोऊं मगर क्या करूं खत मेरी माँ का मुझको रुलाता रहा चार पैसे कमाने मैं आया शहर गाँव मेरा मुझे याद आता यहाँ पे एक कनाडा से है दयानंद शर्मा जी दीपक एक रिक्वेस्ट मेरा भी रख लो कनाडा से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक भोजपुरी गाना भोजपुरी गाना मैंने अभी जस्ट सुनाया है मोहसिन आलम दिल लगी भूल जानी पड़ेगी नुसरत फ़तेह अली खान का आवाज़ में दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। अब देखिए बहुत 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 सारा ठीक है एक लाइन आप लोगों को प्रणाम नमस्कार और आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप लोग मुजफ्फरपुर नाउ पेज को प्रमोट करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आगे मेरी आने वाली जो भी प्रोजेक्ट्स है उसके बाद मैं वो वहाँ पे करके आऊँगा फिर मैं दोबारा से लाइव ज़रूर होऊँगा आप लोगों से और ज़रूर फिर मिल मैं जा नहीं रहा हूँ हम फिर मिलेंगे ज़रूर मिलेंगे और मैं आप लोगों से एक दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो मुजफ्फरपुर नाउ पेज है इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ये जो भी अभी प्रोजेक्ट इन्होंने इवेंट जो भी ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अभी इनकी एक बहुत ही अच्छी कोशिश है कि एक कपड़ा का इन्होंने ये किया है ये काफ़ी अप्रिशिएटिव वर्क है कि जो भी नीडी पीपुल हैं जो भी ज़रूरतमंद इंसान हैं जो कैपेबल नहीं हैं उनको ये कपड़े डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और काफ़ी 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 अच्छा काम कर रहे हैं मुजफ्फरपुर नाउ। तो बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग दुआ कीजिए और दुआ के तौर पे बस आप इनके पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ताकि ये दिन दुगुना रात चौगुना मुजफ्फरपुर की तरक्की के लिए ये काम कर सकें और ज़मीन से जुड़ी जुड़ी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको ये उठाएँ और काफ़ी अच्छा आप लोगों को एक फीडबैक जो होता है वो दें। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें और इसको चाहें पसंद करें और ये जो वीडियो लाइव चल रहा है इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मेरी जो भी प्रोजेक्ट्स आएंगे उसके बाद हम फिर मिलेंगे फिर आऊँगा मैं लाइव और आप लोगों के सामने फिर आपकी फरमाइशें पूरी करूँगा। और मैं इंस्टाग्राम से द दीपक ठाकुर नाम से हूँ आप लोग मुझे चाहें तो वहाँ फॉलो कर सकते हैं मेरे वीडियोज़ वहाँ पे हमेशा रहते हैं और मेरे से वहाँ बहुत सारे डायरेक्टर्स वगैरह भी जुड़े रहते हैं तो उन लोगों से भी मैं टच में रहता हूँ आप लोगों से भी टच में रहूँगा और आप लोग जैसी जैसी वीडियोज़ चाहते हैं वहाँ पे अपलोड मैं करता रहूँगा। तो द दीपक ठाकुर नाम से मैं फेसबुक पे भी हूँ और द दीपक ठाकुर नाम से मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ तो आप चाहें तो वहाँ पे
मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स दीपक भाई फॉर इट प्रीसियस टाइम, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम इंटायर टीम। थैंक यू मुजफ्फरपुर नाउ की पूरी टीम और संतोष भैया को, और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं ये और इनकी जो पूरी टीम है। ये जमीन से जुड़े हुए जो प्रॉब्लम्स है मुजफ्फरपुर नाउ को, उसको प्रमोट करते हैं मुजफ्फरपुर नाउ, और मुजफ्फरपुर की सारी जनता को हमारे ये शुभम है, ये मुजफ्फरपुर नाउ से जुड़े हुए हैं, ये भी बहुत अच्छा काम है। आर्यन जी हैं, ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोगों से जुड़े रहने के लिए, काफ़ी अच्छा ये इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं। तो बस कीप ब्लेसिंग अस ऑल, और बस दिल में छत्रपति लूंगा फ्रॉम वजह तुम हो। भाई बहुत टाइम हो गया है और बहुत देर से और मेरा गला भी सूख रहा है, तो एक्चुअली मैं फिर अभी हम जा नहीं रहे, हम फिर मिलेंगे, दोबारा मिलेंगे, और दोबारा से एक कोशिश होगी कि आप एक शाम को फिर से म्यूजिकल करा जाए और अच्छे से करा जाए। और मेरे सारे प्रोजेक्ट्स मैं करके आ रहा हूँ अभी, मुझे आप लोगों का ब्लेसिंग रहा, तो आप लोग सुनिएगा मुझे। बॉलीवुड अभी दो फिल्म आ रही है मेरी, तो उस दोनों फिल्म में मेरे गाने होंगे, टी सीरीज से मेरे गाने आ रहे हैं, मेरे म्यूजिकल एल्बम से लॉन्च होंगे, अनुराग सर करेंगे। तो आप लोग बस ऐसे ही अपना आशीर्वाद देते रहिए मुझे, मुजफ्फरपुर नाउ को, और हमारी जो पूरी टीम है मुजफ्फरपुर नाउ की उनकी, और जो भी उनका अभी अप्रिसिएटिव वर्क है उसको आप लोग बस ऐसे ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे दीपक ठाकुर नाम से फॉलो करना ना भूलिए। थैंक यू, थैंक्स अलॉट, आप लोगों ने समय निकाला मेरे से बात करी, थैंक यू। समीर मिश्रा जी, अगले सेशन में आपका सॉन्ग